दोस्तों, अब सभी के लिए एवरी वेडनेसडे न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रहे हैं और 2 जून से आपका बैच स्टार्ट हुआ है 8 मंथ का फाउंडेशन बैच, जो कि आपके MBBS के प्रीलिम्स मेंस हिंदी मीडियम के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। और आप सभी इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सभी कोड क्या इस्तेमाल करेंगे? कोड आपको इस्तेमाल करना है SIB94, और इस कोड को इस्तेमाल करते ही, आप अप्लाई करते ही 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। 2 जून से आपका ये बैच स्टार्ट हो चुका है और एवरी वेडनेसडे आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दें कि प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए 7 जून तक आपके लिए यहाँ पे जो ऑफ़र है अभी लेटेस्ट एन अकेडमी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, 24 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं SIB94 कोड अप्लाई करके, और आप जिस कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें आप यहाँ पे ले सकते हैं। और स्पेशली जो ऑफ़र है MBBSCN व्यापम कैटेगरी के लिए, तो आप सभी कोड इस्तेमाल करें SIB94। साथ ही साथ स्पेशल क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे द्वारा अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्रोफाइल की, सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि अपडेट आपको मिलता रहे। क्लियर है सभी को? चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं गौतम ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे MPGK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, देवदास गांधी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्रवस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में से कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से था? तो ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंधाता नगरी की स्थापना किस राजा ने की थी? तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजा मुचकुंद। बहुत इंपॉर्टेंट है राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी? किस नगर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे है राजा महिष्मती ने किस नगर की स्थापना की थी बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा महिष्मती नगरी। ओके, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन है, श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विदिशा। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और प्लीज़ अभी आप वीडियो पे बने रहिए, आपको अन अकेडमी से रिलेटेड फ्री क्लासेस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू।